तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं गाड़ी को लेके आ गया हूँ। मेरा टेलगेट डैमेज था, वो ओके हो गया। पिछली वीडियो में सारी स्टोरी आपने देख ली होगी कैसे हुआ क्या था। अभी गाड़ी में लेके आ गया हूँ। ये धुल के तो आई है, वैसे पॉलिश मार दिया था तो ये वापस से धुलेगी दोबारा, क्योंकि रबिंग करानी है। रबिंग के बाद इसकी शाइनिंग वाली पॉलिश होगी, जो कि भैया बोल रहे हैं कि 2 साल तक इसका शाइनिंग रहेगा। और रबिंग का तो इतना नहीं रहता, 6 महीने 4 महीने दोबारा कराना चाहिए। रबिंग के ऊपर एक शाइनिंग वाली पॉलिश आती है, वो करने से इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक बार गाड़ी में देखो, ये डैमेज था, ये तो लंबा है, चल जाएगा इतना। इसी तो इस रबिंग से कुछ नहीं जाएगा ये। और भैया एक बार चेक कर रहे हैं बड़े में क्या है। एक ये लगा था, रबिंग जब मैं करता हूँ ना तो ये शाइनिंग कम हो जाता है, फिर बाद में धुलाई वुलाई होता है तो फिर धुल जाता है वो पॉलिश उसका। तो ये तो नहीं, पेपर मारने से साथ जाएगा ये। थोड़ा इस पर फ्रेंड्स पेपर लगेगा, रेकमाल जो होता है उसे घिस के वापस से करेंगे, जो भी प्रोसेस होगा निकाल देंगे, दाग निकल जाएगा। गाड़ी में वैसे मेजर स्क्रैच कहीं नहीं है, क्योंकि अभी 5 से 4 या 5 महीने पूरे हो गए मेरे गाड़ी को। बहुत जगह में लाभ है। देखो टाटा में जो पेंट फिनिश का प्रॉब्लम आती है ना, आप लोग को दिखाता हूँ। देखो ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये चेंज पेंट किया था ना, ये हाँ रबड़ पेंट होता है ना चेंजिस का, वो उसका इस पे गिर गया है। तो टाटा ने फिनिश का बहुत प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पे गैप कुछ और मिलेगा, यहाँ आते आते कुछ और हो जाएगा। तो टाटा इस मामले में बहुत कंप्लेन है लोगों का टाटा से, सुधार रही है कि नहीं रही है समझ नहीं आता। लेकिन ये देखो चेचिस पेंट किया है, उसका रबड़ पेंट इस पे आ गया है। इस पे भी था लेकिन ये तो अभी डैमेज होके नया लगा दिया मैंने। देखो इधर भी दिखेगा आपको, इधर थोड़ा कम हो गया है, साफ साफ हो गया धुलते धुलते। तो ये टाटा के साथ थोड़ा है इशू, मैंने भी गाड़ी लेके देखी है। फिट एंड फिनिश में टाटा को बहुत काम करना पड़ेगा। ये तो सब जगह में ये सब निकल पाएगा क्या? निकल जाएगा ना, जो रब है। हाँ रब। तो भैया कह रहे हैं अभी जो मशीन चलेगा ना, पैड चलेगा, उससे घूमते घूमते वो जो भी चेचिस का रबड़ पेंट छीटे पड़े हुए हैं, जो एजेंसी से ही आए थे, मैंने रिसीव करा था गाड़ी तब का ही था, तो ये निकल जाएगा कह रहे हैं। निकल जाएगा तो अच्छी बात है। और ये देखना दादा, ये सब निकल जाएगा ना, ये सब गाड़ी गई थी ना एजेंसी, वहाँ से लग के आया है, ये पहले नहीं था, ये सब लग के आया वहाँ से। और ऊपर बॉडी पे भी करना है, चेयर लगाना पड़ेगा ना। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं तो 3M बोल रहा था कब से कि 3M का कराएंगे। भैया बोल रहे हैं आप छोड़ दो मेरे पे, डुप्लीकेट कोई माल नहीं लगेगा। 3M का तो नहीं है, कौन कौन सा? वैक्स पोल है, वैक्स पोल कंपनी का, इनके पास रबिंग है। और शाइनिंग वाला किसका भी है? दोनों हैं इनके पास, 3M का और जोपासूल का भी है। तो ठीक है, देखते हैं ओवरऑल रिजल्ट क्या रहता है गाड़ी का। तो आप लोग, नई गाड़ी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप रबिंग करा ही लो। रबिंग होता है स्क्रेच वगैरह, माइनर स्क्रेच जो होते हैं गाड़ी पुरानी होती है तो निकालने के लिए। लेकिन मैं करा लूँगा ना, मेरी गाड़ी इतनी यूज़ नहीं होती है, पार्किंग में रखता हूँ गाड़ी। पार्किंग क्या मतलब, पेड़ के नीचे छाँव में रहती है, धूप से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना गाड़ी को। और रेन कवर अपना डाल देता हूँ, तो डस्ट जो भी पत्ते वगैरह होते हैं पेड़ के, कुछ भी नहीं गिरता, ढक के रखता हूँ मैं गाड़ी को। हाँ कभी आंधी बांधी आई तो मैं गाड़ी को उस पेड़ के नीचे से हटा देता हूँ, क्योंकि पेड़ वेड़ के डाल वाले टूट गए तो गाड़ी डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है। लोग कमेंट भी करते हैं कि भैया पेड़ के नीचे गाड़ी मत खड़ा करो, मैं खुद जानता हूँ। जिस दिन हवा तेज़ रहती तो मैं गाड़ी हटा लेता हूँ, क्योंकि धूप में गाड़ी खड़ा करूँगा ना तो यार वैसे ही कलर फेड होने हैं, वैसे भी लाइट कलर है। तो ठीक है, अभी गाड़ी धुलेगी, अभी एक गाड़ी धुल रही है यहाँ पे, ये धुल जाएगी, इसके बाद अपनी गाड़ी लगेगी। साफ़ है फिर भी एक बार धुल के वापस से रबिंग तभी चपके, क्योंकि पॉलिश लग गई थी ना इस पर, इसलिए धोना ज़रूरी है। मैं एक बार दोबारा यहाँ पे धुलवाया था, गाड़ी बहुत अच्छी धुलते हैं, अच्छे से पूरी सारा भैया के पास सारा जुगाड़ है, जितने अच्छे से जो धुलाई की होती है, तो धुलाई मैंने करवाया था यहाँ से। तो इन्होंने बोला था रबिंग वगैरह कराना हो पॉलिश हो तो हो जाएगा यहाँ पर, मैंने कहा ठीक है कराना तो वही है। तो मैंने वहाँ ना करा के यहाँ पर कराया है, ये भी पुराने हैं। भैया का एक बार सामान दिखा देता हूँ आपको, पूरा अपना किट लेके चलते हैं। अभी आपको मैं नंबर दे दूंगा, भैया का नंबर और नाम बता दूंगा। अगर आप गुवाहाटी में रहते हो तो आप भैया से कांटेक्ट करके इनको बुला सकते हो, घर पे आके कर देंगे ये, बेटर होगा। जहाँ पे वॉशिंग सेंटर हो वहाँ ज़्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि गाड़ी को 2 बार धुलना पड़ता है, इसलिए भैया के पास ये सारा सामान अपना लेके चलते हैं। मशीन है सारा, ये 3M का प्रोडक्ट है। एक्चुअली ये बड़ा डब्बा होता है ना घर पे, कि रोज़ का काम है ना, तो बड़ा डब्बा रखते हैं, उसमें से इसमें डाल डाल के लाते हैं। तो ये डब्बे पुराने हो गए, वैसे ये देख सकते हैं आप, ये सब है, इसमें रबिंग कंपाउंड है। और ये जो पासों का जो ग्लेज है, ग्लेज ये शाइनिंग के लिए होता है, ग्लेज इस रबिंग के बाद होता है ये। रबिंग करने से धुलाई करना होगा, रबिंग होने से धुलाई करने के बाद वो अच्छी तरह से पूछ कर
ये वाला लगा था ठीक है। और ये मशीन है तो देख ही सकते हो आप, बहुत सारा सामान है रबिंग का पूरा। पैड पैड कितने तरह का यूज होता है? दो तरह का है। गाड़ी पे कितने तरह का चलेगा? एक ही चलेगा? एक से ही हो जाएगा। ये फ्रेंड देख सकते हो 1,500 रुपये का पैड है। ये स्मूथ होता है पूरा और रबिंग का पूरा एक पॉलिश एक लेयर चढ़ा देती है बॉडी के ऊपर, जिससे हमारा पेंट सेफ रहता है। मारुति का है देख सकते हो। तो भैया नया पैड यूज करने वाले हैं नए गाड़ी पे। वैसे सबके लिए नए एक बार में ख़राब नहीं होता ये नहीं। ये भी पुराना ही है, यूज हो सकता है, लेकिन नए गाड़ी पे बोल रहे हैं भैया नया यूज करूँगा। हाँ, 1 से 10 गाड़ी आराम से निकल जाएगा। तो मेरी गाड़ी पे तो फिलहाल नया यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पहला स्टेप स्टार्ट हो गया। पहला स्टेप पहले गाड़ी धुलनी है, दूसरा स्टेप उसके बाद थोड़ा ड्राई करेंगे उसको, उसके बाद रबिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले गाड़ी की धुलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी भैया 1000 नंबर का रेक माल मार रहे हैं, बालू पेपर जो रेक माल होता है ये पेपर, ये 1000 नंबर का है। यहाँ पे देखो जो मैंने दिखाया था ना, जो टाटा की कमी थी, ये ब्लैक ब्लैक जो थे सारे, ये सब रबड़ पेंट है जो चेचिस में मारते हैं, ये सब इस पे लगा हुआ था। ये है टाटा की क्वालिटी जो गाड़ी नहीं देते हैं, ये नहीं मिली हुई है। तो पूरे पूरे गाड़ी पे एक बार हल्का हल्का मार देंगे इसको, जो भी हल्के डस्ट पार्टिकल हो गए या जो भी जो चिपका होगा वो चीज़ें निकल जाएंगी, तो इस पे रबिंग का पॉलिश अच्छे से हो पाएगा। तो फ्रेंड्स पूरे एक साइड से उधर से हो गया और यहाँ तक पहुँच गया भैया। तो पूरी गाड़ी एक तरफ से पूरा एक बार हल्का सा एक माल से घिसाई होगी, एक तरह से इसको बोलते हैं पेंट की कटाई करना। पेंट कटाई नहीं होती, साइनिंग कटिंग होती है। जो साइनिंग होता है ना ऊपर से, दो कोट में होता है, नीचे तो पेंट होता है, इसके ऊपर जो चमक है ना, ये एक पेंट की जैसा ही साइनिंग का लेयर होता है, काफ़ी मोटा होता है ये, जिससे गाड़ी हमारी साइन करती है। तो ये उस पर हल्का सा एक रफनेस सा कर देता है, उसके बाद जो रबिंग का पकड़ है ना बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसे हल्का 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 जहाँ भी ज़्यादा लग रहा है उसको कटाई कर रहा है। एक दो जगह स्क्रैच है, देखते हैं ये वाला स्क्रैच जाता है कि नहीं रबिंग से, दिखाऊंगा आप लोगों को। ये वाला जो मैंने दिखाया था पहले भी आपको, एक देखो ये लाइन जा रही है और एक तो ये चमक, थोड़ा गाड़ी गीली हो गई ना, देखो ये है पूरी। तो देखो ये रबड़ पेंट यहाँ है, एक रबड़ पेंट यहाँ है, ये टाटा की सारी गलतियाँ हैं जो सुधार नहीं रहे हैं वो लोग। तो फ्रेंड्स बड़ी चीज़ तो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, ध्यान से उतर गया था मेरे, ये देखो कि जब ये शीशे के अंदर जो सिलिकॉन लगता है ना, जो शीशे को पेस्ट करते हैं, ये उसका सिलिकॉन लगा हुआ है। देखो पूरा हाथ पे ये रफनेस सा पूरा फील हो रहा है अच्छे से। ये टाटा है, ये टाटा की फिनिश है देख लो। तो खैर ये तो निकाल देंगे भैया, ये पेपर से पहले कटिंग होगी, इसी घिसाई करेंगे, ये निकल जाएगा, उसके बाद रबिंग और पॉलिश से चली जाएगी ये। बट आप लोग देखो टाटा के, बाकी गाड़ी तो ठीक है, चलाने के ऊपर है, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं इसकी, फिट एंड फिनिश में बस कमी लगता है मुझे, और तो मुझे पता नहीं जिसको कुछ भी लगता हो, लेकिन मुझे जो लगता है गाड़ी चलाने में, वैसे गाड़ी की वेट है बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत ज़मीन को पकड़ के चलती है। माइलेज वगैरह भी लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन चलाने के ऊपर है, माइलेज आप अच्छा निकालना चाहोगे तो दूसरी तरीके चलानी पड़ेगी। अगर माइलेज कम निकालना है तो भैया स्पीड में भगाओ, जैसे करना वैसे करो, माइलेज को कम आनी आनी है। अगर अच्छे से चलाओगे हाईवे पे तो 20 का 22 का 25 का 28 का तक लोगों ने निकाला हुआ है इससे माइलेज। बाकी फिट एंड फिनिश में टाटा बहुत पीछे है भाई अभी। तो फ्रेंड्स देखो कटाई के बाद ना ये हल्की सी वाइट वाइट सी इसकी लेयर जो कटती है वो दिखाई दे रही है, इस पूरी वाइट वाइट सी ये लेयर कट रही है, सूखने के बाद आपको दिखाई देगा। बस इतना ही कटता है हल्का सा, ये बहुत हल्का है, माइनर है। अब इस साइड आ गए मैं, थोड़ा सा और रह गया, इसके बाद अपना रबिंग एक बार और धुलाई होगी। धुलाई होने के बाद ये टायर वगैरह ये सब पूरा अच्छे से धुलेगा, इस पर भी पॉलिश होगा, जो कि भैया बोल रहे हैं ये 2 महीने तक इसका पॉलिश पर रहेगा, रफ नहीं होगा ये भी, और व्हील कवर होगा, टायर भी, ये सब पूरा होगा एक बार। तो ये वो पॉलिश है जो धुलाई के बाद ये 1 टाइम नहीं रहता, ये रहेगा लॉन्ग टाइम तक, 2-2.5 महीने बाद खत्म, मतलब ख़राब हो जाएगा ये, लेकिन ये गाड़ी का जो है कि रहेगा 2-1.5 साल तक रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो सिलिकॉन का जो गम लगा हुआ था ना, तो यहाँ तो ये पूरा निकल गया, पूरा साफ हो गया, बट यहाँ पे काफ़ी रफ हो गया, 1000 का पेपर घिसने से ये पूरा एकदम रफ हो गया है, लेकिन ये निकल जाएगा जब वो पैड चलेगा ना रबिंग के साथ, तो वो पूरा निकल जाएगा। चलो ये काम ये अच्छा हो गया, और जो नीचे पूरे जो लगे हुए दाग से हो गए थे पूरे छुटा दिया भैया ने,
देखो रफ रफ दिख रहा है, वाइट वाइट, ये सारी धुलने के बाद मस्त हो जाएगी पूरी। टाटा वालों ने जैसे गाड़ी करके नहीं दिया, वो गाड़ी अब हो जाएगी। क्वालिटी चेक पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, कुछ भी बना के दे देते हैं क्लाइंट को। देख लो ये सारी पूरी डस्ट निकाल दिया गया ने, इसलिए डस्ट नहीं है ये शाइनिंग है, शाइन की वजह से जितने भी डस्ट चपके हुए हैं ना, इसे ब्लैक ब्लैक हैं, ये देखो ये सब निकल जा रहा है कट कट के। तो फ्रेंड्स अभी रबिंग लगा रहे हैं भैया, रबिंग का काम चालू हो गया। ये कंपनी दिखा देना एक बार, कंपनी एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये है वैक्स पोल, बोल रहे 3M और इसका सेम ही होता है, अब मुझे तो पता नहीं, देखते हैं रिजल्ट, देखते हैं कैसा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो स्क्रेच था ना, वो एक कोट में तो नहीं गया, ये पूरी अंदर तक आ गई है। तो भैया एक बार और ट्राई करेंगे, एक बार और ट्राई करते हैं, निकल जाए तो। फ्रेंड्स ये दाग तो नहीं जा रहे, काफी अंदर तक थे, अंदर तक स्क्रैच हो गया इसलिए नहीं जाता। कभी भी रबिंग भी काम करता है ना, तो ऊपर हल्का माइनर स्क्रैच पे काम करता है, इतना हार्ड तो नहीं काम करता। ऊपर स्क्रैच था तो निकल जाता, जितना मैनेज होना था हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स ये मिर्का का ये रबिंग है, ये भी इसको सिर्फ इससे लगा रहे हैं, बोला है ये वो सेम ही बात, एक बार और लगा के दिखा रहे हैं इसको शाइनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली रबिंग के बाद धुलाई हो रही है, धुलाई के बाद फिर से एक पॉलिश और होगी, जिससे पूरी शाइनिंग आ जाएगी गाड़ी पे। इससे जो भी रबिंग का जो भी डस्ट रहता है, जो वाइट वाइट सा पाउडर सा बन जाता है, इसे पूरा धुलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही अब आपका शैम्पू होगा, शैम्पू के बाद नेक्स्ट प्रोसेस चालू होगा। तो फ्रेंड्स पहले शैम्पू मार दिया है, शैम्पू मारने जा रहे हैं। शैम्पू मारने के बाद फिर अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो दूसरी कोटिंग है शाइनिंग के लिए, दिखाऊंगा कौन सा ब्रांड है। तो गाड़ी की धुलाई हो गई है, फाइबर पार्ट भी और ये मेटल पार्ट भी अच्छे से। अब इसको करेंगे ड्राई अच्छे से, ड्राई होने के बाद इसका जो शाइनिंग का पॉलिश है वो लगाना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स गाड़ी फाइनली धुल गई थी पूरी, और उसको टुकड़ा ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद ये है अपना 3M का लिक्विड वैक्स है, ये वैक्स ही है पूरा, लेकिन ये शाइनिंग के लिए काम करता है, इसलिए बड़े डब्बे में से निकाल के इसमें रखते हैं, डब्बा काफ़ी पुराना हो गया। ये 3M का लिक्विड वैक्स है, तो ये वाली गाड़ी में जैसे सेम प्रोसेस होगा, तो इसका सेम प्रोसेस होगा जैसे उसमें गाड़ी पे लगा के किया था। इसका पैड अलग है, बिल्कुल सॉफ्ट है इसका पैड, ये अपना ये वाला पैड है, पैड दिखाना दादा, ये फोम वाला, ये फोम है पूरा एकदम, बिल्कुल फोम है, उसका अलग था। को लगा देंगे, मेन शाइनिंग इसी से आएगी ना।
तो फ्रेंड्स सच में शाइनिंग बहुत गजब की आ रही है यार, आप देखो खुद ही। अभी देखो जितनी शाइनिंग है ना, जब ब्रश इधर जाएगा पूरी शाइनिंग डबल हो जाएगी बिल्कुल। अब देखो ये शाइनिंग वाली प्रीमियम वैक्स लगाते एकदम शाइनिंग बढ़ गई, एकदम पूरा एकदम दोगुना हो गया शाइन। अभी देखो यहाँ पे और उधर देखो, तो 2 साल की ड्यूरेबिलिटी बता रहे हैं शाइनिंग की, बट ठीक है 1 साल भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक हर 1 साल में तो यार केयर तो ज़रूरी है ना पेंट का भी। आप बिल्कुल खाली नॉर्मल पॉलिश है धुलाई करवाते रहोगे तो उससे शाइनिंग तो पहले जैसी रहेगी नहीं बिल्कुल। अगर आप रबिंग कराते रहोगे कंटिन्यू और ये प्रीमियम वैक्स वगैरह कराते रहोगे तो शाइनिंग ऐसी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये फाइनली लिक्विड वाला जो वैक्स था फ्रीम का वो हो गया है। इस पर शाइनिंग आप खुद देखो। अभी इस पर नहीं हुआ है, इसका शाइनिंग देख सकते हो एकदम अच्छा हो गया पूरा एकदम ग्लोसी। जो फिनिश थी जो दबी हुई थी ना इसकी, तो और निखर के आ गई। पुरानी गाड़ी भी ज़्यादा बेटर समझ में आता, ऑलरेडी ये नई थी तो इतना नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है अच्छे से क्योंकि लाइट वाइट पे फर्क पड़ रहा है। अब इसे पानी या डस्ट पड़ेगा तो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा ना दादा। अभी इसे पानी या डस्ट पड़ेगा तो आराम से निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं। तो फ्रेंड्स करीब करीब 3-3.5 घंटे हो गया है, अभी चल रहा है चाय। भैया की इस दुकान है नंबर मैंने दिखा दिया है, चंगसारी में अगर कोई रहता है तो यहाँ पे वॉशिंग करा सकता है। ये वैक्स वाले भैया तो अलग है। और ये देख लो गाड़ी की रिजल्ट क्या है, अभी छत रह गया है, अभी छत होगा पूरे गाड़ी पे कपड़ा लगेगा फिर ये फाइनल हो जाएगा। कुछ नहीं तो मुझे लगता है 1/2 घंटा भी और लग जाएगा। तो ठीक है दिखाता हूँ कपड़े लग जाएंगे फाइनल। तो फ्रेंड्स फाइनली रबिंग का जो भी प्रोसेस था, लिक्विड वाला रबिंग और जो ड्राई होता है उन दोनों का, दोनों शाइनिंग का जितना भी प्रोसेस था सब हो गया है। ये मैंने आपको एक एक स्टेप दिखाया है। अभी जो ये फाइबर पार्ट है उसके लिए अलग से लिक्विड पॉलिश है वो लगा रहा है। ये नॉर्मल नहीं है जो फ्री में धुलाई के साथ या 50-60 रुपये लेके मारते हैं वो नहीं है। क्या क्या कंपनी दादा इसका? जोपासो। इस पर एक्चुअली स्टिकर नहीं इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, जो पासो बताया दादा ने। तो ये इसका ड्यूरेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, वो जो नॉर्मल वाली पॉलिश आती है उससे थोड़ा ठीक अच्छा है। तो ये लगाते हैं, जो फाइबर पार्ट है ये जो व्हील कवर है इन सब पे लगा के फिर फटाफट निकलते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स देखो इस वाले पॉलिश से कितना फ़र्क पड़ रहा है, पूरा टायर वगैरह पे इन्होंने लगाया है। टायर पे तो दूसरा लगा है, व्हील कवर पे लगाया है और ये फाइबर पार्ट देखो यहाँ फ़र्क देखो कितना है। तो फ्रेंड्स लगभग टेफ्लॉन कोटिंग जो था, जो प्रोसेस था पूरा हो चुका है गाड़ी पे, टायर का, व्हील कवर का, ये जो भी नीचे का ब्लैक पार्ट है, जो फाइबर पार्ट है, ये सारा भैया ने पॉलिश कर दिया। और गाड़ी की शाइनिंग देख लो आप, पहले भी थी, नई गाड़ी है इसे इतने प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है। अभी भी शाइनिंग है इस पर और ये जो शाइनिंग है लॉन्ग टाइम तक रहेगी, इतनी शाइनिंग नहीं थी। खैर नई गाड़ी पे तो रहती है लेकिन इतनी नहीं थी। तो अभी क्या है कि रहेगा, 2 साल बोल रहे हैं और 2 साल तो ना भी रहे, मेरे लिए 1 साल भी है तो बहुत है। देख चलो 1 साल के बाद मैं फिर से करवा लूँगा। तो भैया बोल रहे हैं करीब करीब मेरा अभी 3,000 रुपये बोल रहे थे, तो 3,000 रुपये टाटा शोरूम में 3M वाले ने अभी बताया था, ये भी बताया है उनका 3M का सारा प्रोडक्ट रहता है, इनका मिक्स रहता है जो इनको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और अच्छा भी होता है साथ में, उसको ये यूज़ करते हैं। तो मुझे भी रिजल्ट चाहिए, सस्ता महंगा का मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को तो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मेरे को मिल गया। तो 2500 रुपये में मान गए भैया, 500 रुपये डिस्काउंट मिल गया मेरे को, तो 2500 में ये सारा प्रोसेस हो गया। करीब करीब 4 घंटे लगा है, तो बंदे का मेहनत भी है, एक गाड़ी में पूरा दिन चला गया, जो भी उनका बचना होगा बच्चे, मेरे को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मटेरियल ज़्यादा खैर नहीं लगता है, रबिंग भी लगता है थोड़ा, मतलब 20-30 ग्राम में पूरा गाड़ी हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा डॉट 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 जैसे आपने देखा पूरे वीडियो में,
ज़्यादा मटेरियल नहीं लगता है, उसी सारा काम हो जाता है। तो भैया का मैं नंबर और नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और डिस्प्ले में भी दे दूँगा, आप लोग भैया से कॉन्टेक्ट करके जो गुवाहाटी में रहते हैं और वो कॉन्टेक्ट करके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और बुला सकते हैं, अपने घर पे भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा वॉशिंग सेंटर होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी को दो बार तीन बार धोना पड़ता है, जो जो सारा प्रोसेस होता है उसके बीच में। तो घर पे कराएंगे तो बार बार धोने में प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, गाड़ी का पूरा काम हो गया, मतलब एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो पूरा मिल गया मुझे। मुझे डर लग रहा था कि बाहर कराऊंगा तो, या 3M से कराते टाटा शोरूम में। तो अब गाड़ी दिखा चुका हूँ मैं, बिल्कुल शाइनिंग आ गई है। अब ड्यूरेबिलिटी बोल रहे हैं भैया रहेगा लॉन्ग टाइम तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, मेरे को तो वही चाहिए। तो अच्छा लगा, भैया का शॉप है ये, इनके फ्रेंड है जिन्होंने किया है। तो भैया का गाड़ी का मतलब नंबर वगैरह है या एड्रेस वगैरह देख सकते हो आप, चांगसारी में है, कॉल करेंगे तो एड्रेस मिल जाएगा पूरा। और चलते हैं, भैया को थैंक यू बोलते हैं, मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।